हेलो दोस्तों, आज मैं आया हूँ खेत पे और ये हमारे सतीश भैया, इनके खेत पे आ हुए हूँ। और ये साकेत वो है मुकेश, मुकेश भाई मेहनत कर रहा है बहुत। और ये देखो, ये भी बच्चा लगा पड़ा है और ये मेहनत चल रही है फुल खेत में भाई। धान हो गए तैयार और धान झड़ रहे हैं। तो ये है बिरयानी वाला चावल है, बोले तो अभी ये धान है, दिखाता हूँ। ये देखिए, ये होता है बिरयानी वाला चावल, इसे कहते हैं सरवती बासपति। देख सकते हो प्योर माल भाई, ये देखिए प्योर माल होगा बिल्कुल। देख रहे हो हीरे के तरह चमक रहा है भाई। और ये देखो छोटा किसान और ये हमारे बड़े भाई किसान, तो इनसे कुछ जानकारी लेते हैं हम धानों के बारे में। भाई साहब, इसकी फसल कौन से दिनों में लगाई जाती है? भादों में। भादों में आप कौन सा महीना चल रहा है? वो उसमें सावन में लगते हैं। सावन में लगते हैं, अषाढ़ में और सावन में। अच्छा, अषाढ़ में और सावन में लगते हैं। आप जी कौन से महीने में कट रहे हैं? ये है कुआर में। तो क्या महीने में तैयार हो गए भैया? चार महीने करीबन। तो ये पाँच महीने मान के चलो, लगभग पाँच महीने पूरे महीने में कट गया, छठे महीने में निपट गया है। तो भाई साहब, ये छह महीने में फसल तैयार हो जाती है। ये धान की फसल है, आपको दिखाता हूँ खेत भी। दोस्तों ये है धान का खेत, ये देखिए धान की बाली ये इस तरीके से ऊपर आती है और ये हवा चलने की वजह से गिर गए हैं। वैसे इनमें कोई नुकसान नहीं हुआ है, हवा चलने से बस गिर गए हैं। और मैं अंदर घुस के दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये है धान का खेत, ये देखिए। आगे चलते हैं और क्या क्या फसल है देखते हैं दोस्तों। दिखाता हूँ आपके लिए आगे चल के, वो उड़द का खेत है आगे। दोस्तों ये है उड़द का खेत, ऐसा होता है उड़द के पेड़। आपने दाल मखनी और काली दाल खाई होगी, वही उसे ही कहते हैं उड़द। तो ये उड़द का खेत है और ये लगभग दो महीने बाद ये कटेंगे। आपको इसका फूल दिखाता हूँ, इस तरीके से ये फूल आता है इसका। उसके बाद इसकी फली बनती है और उसके बाद उसके अंदर ही जो है उड़द बनता है। आपको दिखाता हूँ, आगे चलते हैं। और आप ये बड़े बड़े पेड़ देख रहे हो, ये है सिलीविली के पेड़, इसे सिलीविली बोलते हैं। और दोस्तों ये आप देख सकते हो, ये है बोंगा, इसके अंदर जो है चारा रखा जाता है जानवरों के लिए। और इसके ऊपर जो है कद्दू की बेल है। आपको दिखाता हूँ मैं, और कुछ भी दिखाता हूँ, थोड़ा रुको। ये सामने है बाजरे का खेत, वो है बाजरे का खेत दोस्तों। और चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या है आगे। दोस्तों आपको आवाज़ आ रही होगी यहाँ पे पक्षियों की, दोस्तों ये देख सकते हो इस खेत में यहाँ पे पौदीना लगा हुआ है जिससे कि हम चटनी बनाते हैं। और ये है कद्दू की बेल, ये देखिए। और ये चारा लगा रखा है भैंसों के लिए दोस्तों। और आपके लिए दिखाता हूँ कद्दू कैसे आता है, बेल के ऊपर कैसे उतरता है। ये देख सकते हो छोटा सा कद्दू, मिनी कद्दू। और ये देख सकते हो कद्दू ये है। दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको, ये है ट्यूबवेल। हाँ भाई, ट्यूबवेल कहाँ से स्टार्ट होता है? ये यहाँ से एक बटन दबाने के बाद, साकिब भाई ने बताया हमें कैसे स्टार्ट होता है, मुझे इसे ऑपरेट करना नहीं आता है। तो ये बटन दबाने के बाद ये स्टार्ट होता है और वहाँ पे पानी आता है, तो हम जो है इसे स्टार्ट करते हैं, उसके बाद पानी पीते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए ट्यूबवेल चल चुका है, ये देखिए दोस्तों ये ट्यूबवेल चल चुका है। और देखिए पानी कितना शुद्ध है, शुद्ध पानी। दोस्तों हमने पानी पी लिया है और इसे बंद कर दिया अब हमने। अब चलते हैं हम घर की तरफ, शाम हो चुकी है। और एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, ये देखिए आपने नदिया के पार मूवी देखी होगी दोस्तों, तो यही गाड़ी, इसी सेम टू सेम गाड़ी दिखाई गई है उसमें,
तो आज भी हमारे यहाँ इसके लिए काम में लिया जाता है, दो बैल जोड़ के और इसे लेके जाते हैं। तो ये लड़िया गाड़ी बोलते हैं इसे, कहीं बैलगाड़ी बोला जाता है, इसके कई नाम है दोस्तों। इसे रथ भी बोला जाता था, ये थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें तो इसे रथ ही बना दिया जाएगा, मतलब इसे कई तरीके से बोला जाता था। और दोस्तों ये सामने लिप्टिस के पेड़ हैं और ये सामने बबूल का पेड़ जिसे कीकड़ बोलते हैं। तो हम जा रहे हैं अब घर के तरफ को और ये गाड़ी हमारी गाड़ी है, तो इसी गाड़ी को हम चलाते हैं और इसे, मतलब मेरे पास यही गाड़ी है दोस्तों, और कोई सी गाड़ी है ही नहीं, और ये चलाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये किसी टाइम पे हमने कम से कम 10 साल पहले ये गाड़ी ली थी दोस्तों। तो खेत खेत वगैरह के काम में लिया जाता है इस गाड़ी को, मेन रोड पे तो नहीं चलाता हूँ मैं, लेकिन खेत पे आता हूँ तो इसे गाड़ी को लेके आता हूँ। लगभग इस गाड़ी को लिए हुए 2015 में लिया था, तो हाँ लगभग 8 साल हो गए इस गाड़ी के लिए दोस्तों मेरे पास। और आप देख सकते हो गाड़ी की कंडीशन थोड़ी सी ख़राब हो गई है, थोड़ा ये रिपेयरिंग मांग रही है, तो इसे थोड़ा रिपेयर करूँगा। और गाड़ी वैसे चलने में तो अभी भी मस्त है, धोखा नहीं देती है कहीं पे भी। तो दोस्तों अब हम निकल रहे हैं घर की तरफ के लिए, क्योंकि शाम होने वाली है, सूरज देवता देख सकते हो आप, अपने घर को जा रहे हैं, मतलब जा चुके हैं। और ये आ गया हमारा भतीजा मोहित, ये स्कूल से आने के बाद खेत में बहुत मेहनत करता है, ये देख रहे हो, तो अपने पापा के साथ भी ये काम करता है स्कूल से आने के बाद, और पढ़ाई में ये बहुत फास्ट है। थोड़ा कैमरे के सामने शर्मा रहा है लौंडा, ठीक है। और ये है साकिब, ये मेरा छोटा भैया है, चाचा का लड़का। और ये जो है ये शर्माता नहीं है, सही बात तो ये है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। दोस्तों ये देख सकते हो आप, ये सामने बैलगाड़ी जा रही है और ये अभी भी आज भी हमारे यहाँ काम में ली जा रही है। देखो इसके अंदर धान, शरबती धान लेने जा रहे हैं ये हमारे गाँव के ही हैं। और ये हमारे गाँव का तालाब है, ये देख सकते हो आप तालाब, हमारे गांव का तालाब है ये। तो दोस्तों यहाँ पे अभी कछुए थे, मतलब यहाँ पे इसमें कछुए रहते हैं काफ़ी इस तालाब में। तो ये देखिए वो वहाँ पे हलचल हो रही है, ये देखिए वहाँ पे हलचल हो रही है दोस्तों, वो जो हलचल हो रही है वहीं पे कछुआ है। तो कछुआ मछली वगैरह यहाँ पे खाते हैं ये, और आपको दिखाता हूँ सामने, ये देखिए उसके अंदर जल मुर्गाई चुग रही है, मतलब जल मुर्गाई मछली वगैरह ढूंढ के ये खा रही हैं। पक्षी होता है जल मुर्गाई नाम से, उत्तर प्रदेश में होता है हमारे यहाँ पे, तो इसका नाम जल मुर्गाई होता है, हमारे यहाँ जल मुर्गाई बोलते हैं इसको। तो दोस्तों शाम का टाइम हो गया, अब चलते हैं घर के लिए, क्योंकि रास्ते में रुक गया था, अब घर की तरफ को जा रहे हैं दोस्तों हम। तो यहाँ का व्यू बहुत प्यारा है दोस्तों, अब चलते हैं गाँव की तरफ। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं घर पे, और दोस्तों इस वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, और दोस्तों ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी।